सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरह से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई ये जून के महीने का फोर्थ वीक चालू हो चुका है तो 15 जून के बाद और 15 जुलाई के बीच में जो भी अहम कार्य होता है तो किसी का 2 फीट का पौधा कटाई के बाद, किसी का 3 फीट का, किसी का 4 फीट भी हो चुका होगा, तो सबसे ज़रूरी होता है भाई शाखा का चयन। शाखा का चयन करने के बाद जैसे अभी आपके सामने ये पौधा दिखाई दे रहा है और इस पौधे के अंदर काफ़ी शाखाएं हैं, अगर हम इनकी काउंटिंग मोटी मोटी करेंगे तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 शाखा हैं। अगर 18 की 18 शाखा हम ऐसे कैसे रख लेंगे तो हमारे पौधे को जो भी हम न्यूट्रेंट देना चाहते हैं वो न्यूट्रेंट पूरी तरह से पौधे को नहीं मिल पाएगा, प्लस पौधे में फंगस भी लगने का चांस बढ़ेगा और साथ ही साथ जब हमारा पौधा फूल और फल पे आएगा तो क्वालिटी भी नहीं बेहतर बनेगी और आपके खेत में ये पूरी तरह से कवर कर लेगा। जब भी आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसमें हमने करना क्या है, फंगस से बचाने के लिए, क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि क्वालिटी बेहतर बनेगी तो दाम भी बढ़िया मिलेंगे और दाम बढ़िया मिलेंगे तो जो एक एकड़ की बात है तो हमारी अर्निंग भी अच्छी आएगी, अर्निंग अच्छी आएगी तो हमारी इनकम बढ़िया बनेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पौधा है, ये पौधा देखिए, इसमें हमने जैसे ये शाखा है, इस शाखा को हटा दिया, ये शाखा हटा दी, ये शाखा हटा दी, ये शाखा हटा दी। आपने शाखा को हटाने का तरीका क्या है, जो भी शाखाएं, जैसे इसमें देखिए ये कुछ शाखाएं, जैसे ये हमारी शाखा साइड में भाग रही है तो हमने इस शाखा को निकालना है, प्लस हमने जो भी शाखा हमारी कमज़ोर है, जैसे ये शाखा हमारी कमज़ोर है, इसको निकालना है। निकालना कैसे है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपके पास बढ़िया धार वाला कटर होना चाहिए और जब आपका पौधा ज़्यादा फलाव ले रहा है तो कटर अंदर तक नहीं जा पाता, उसके लिए हमने इस तरह का एक औजार लेना है। ये बिल्कुल छोटी, हमारे हरियाणा भाषा में इसको आरी बोलते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको ज़रूर बताएं। तो इससे हमने क्या करना है, जैसे अभी बात करते हैं हम, जैसे ये शाखा है, इस शाखा को हमें आसानी से कटर से रिमूव कर देंगे इस तरह से, लेकिन जो अंदर की शाखाएं हैं इसको भी हमें कटर से हटा देंगे इस तरह से। जहां तक आपका कटर जा सकता है वो कटर से हटा दें और जहां आपका कटर नहीं जाएगा, जैसे अंदर की ये शाखा है ये वाली, इसको हम इससे कटर इससे हटा देंगे इस तरह से। ये जहां पर आपका कटर नहीं जाएगा तो हम इससे हटा देंगे। तो आपने इस तरह से शाखा का चयन करना है, जो भी कमज़ोर शाखा है उसको हटा देना है, ये इस तरह से ये कमज़ोर शाखा है बिल्कुल, इस सभी को निकाल देना है। हमने इसके अंदर मात्र 4 से 5 शाखाएं रखनी है इस तरह से। ये देखिए ये हमारी शाखाएं हैं, इसमें हमने 4 शाखाएं को रखा है तो इससे क्या होगा, हमारे पौधे में अच्छी तरह से हवा भी लगेगी, हवा लगेगी, फंगस का खतरा नहीं होगा, जो भी हम न्यूट्रेंट देंगे अच्छी तरह से पौधे को मिलेगा और जो क्वालिटी बनेगी वो क्वालिटी बेहतर बनेगी। इसमें भी देखिए इसमें भी अच्छी तरह हवा लगेगी। ये अगला पौधा हमने इसमें सफाई कर दिया है, ये भी आपको अच्छी तरह हवा लगेगी। तो ये पौधे जैसे हमने कुछ से पौधे सफाई कर दिया है, सफाई करने के बाद दूसरा काम क्या है, बरसात के समय कई खेतों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है तो जब भी पानी खड़ा होगा तो पानी क्या करेगा,
वो आपके पौधे के तने का लगेगा, और तने का लगेगा तो उस तरह से फंगस आपके पौधे को पकड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मिट्टी लगानी है। अभी मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से ये हमने बेड बना दिया, इस तरह से आपने बेड बनाना है। अगर किसी की चिकनी मिट्टी है तो आप लगभग 1.5 फीट का बेड, जैसे मैं बात करूं ये है, तो ये हमारा जो तना है, तने से 6 इंची हमने इधर बेड बनाना है और 6 इंची उस तरफ बेड बनाना है। लगभग 1.5 फीट का बेड बना दे। अगर 2 मिनट मिट्टी है तो आप 2 फीट का बेड बना सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट मिट्टी में पानी आसानी से अंदर तक चला जाता है। तो इस तरह से बेड बनाएं। जब ये बेड बनाएंगे और ऊंचे की हाइट की बात करें तो हाइट लगभग 6 से 7 इंची 8 इंची तक हाइट लेकर जा सकते हैं। अगर 2 मिनट मिट्टी है तो आप 1 फीट तक हाइट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हाइट आपकी अच्छी रहेगी तो जो बारिश का जो पानी आपके खेत के अंदर बाई दावे ठहर गया तो आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, और उसको पानी को निकालने की भी अपनी व्यवस्था रखें, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, उससे बहुत किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस तरह से आप बेड बनाएं। सबसे पहले आप शाखा का चयन करें, शाखा का चयन करने के बाद फिर बेड बनाएं, फिर उसके अंदर अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी लगाएं, अगर पानी की आवश्यकता नहीं है तो रेगुलर हर 15 से 20 दिन में NPK 19:19 का स्प्रे, दूसरा स्प्रे NPK 17:44:0 का स्प्रे, एक स्प्रे NPK 19:19, एक स्प्रे NPK 17:44:0, और साथ ही साथ एग्रोवीरा प्लस या सागरिका या बायोविटा उसकी स्प्रे करते रहे। अगस्त के महीने में जब इसके अंदर जड़ों के माध्यम से जो खाद डलेगा, उसके बाद आने वाले समय में हम जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार बताएंगे। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, जैसे अभी ये पौधा दिखा रहा हूँ मैं, ये पौधा बिल्कुल पीला हो चुका था, इसको ऐसे लग रहा जैसे जंग लग जाता है। तो अगर आपके खेत में भी इस तरह से कोई भी फंगस अटैक कर रही है तो इस पर सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है सूडोमोनास का स्प्रे करें। पर टंकी लगभग 100 ग्राम के आसपास सूडोमोनास का जो पाउडर है वो पानी के अंदर घोल लें और उसका स्प्रे करें, तो उससे ये बीमारी का भी कंट्रोल हो जाएगा, आपकी फंगस भी रुक जाएगी और आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि फंगस से जब अटैक किया था तो इसमें जो नए फुटाव थे वो फुटाव भी ऊपर से रुक जाते हैं, और अभी देखिए स्प्रे करने के बाद जो नया फुटाव है वो बहुत ही शानदार निकला है। तो फंगस से भी रोकें अपने पौधे को, और बेड भी बनाएं, और साथ के साथ केयर करते रहें, और जो भी एक्स्ट्रा जो शूट जो निकलते हैं उसको भी आप रिमूव करते रहें, क्योंकि कई बार जो हमारा जो जंगली होता है नीचे वाला वो भी समय समय पर निकलता रहता है। तो ऐसी गलती ना करें कि भाई वो भी आपका बढ़ जाए, और वो बढ़ेगा तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा खुराक आप पौधे को दोगे सारी खुराक वो ले जाएगा। और छटाई ज़रूर करें, अगर छटाई नहीं करी तो मैंने आपको दिखाया था सॉरी कई दिन से गला ख़राब हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अगर छटाई नहीं करेंगे, ये देखिए कई बार किसान लालच में छटाई नहीं करता, जी इतनी बड़ी शाखा है, देखो हमने इतनी बड़ी बड़ी शाखा को रिमूव किया है देखिए। तो छटाई करनी बहुत ज़रूरी है, सफाई जितनी रखेंगे उतना ही बढ़िया बेहतर क्वालिटी बनेगी, और जितनी बेहतर क्वालिटी बनेगी उतना ही आपको आने वाले समय का जो होता है प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा। इस तरह से बेड बनाएं, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा वीडियो में, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप जो आपका तना है तने से लगभग 6 इंची एक साइड और 6 इंची एक साइड चिकनी मिट्टी में, डाकर ज़मीन बोल देते हैं कई जगह चिकनी मिट्टी बोल देते हैं, अगर 2 मिनट मिट्टी है तो लगभग 1 फीट एक साइड में, 1 फीट एक साइड लगभग 2 फीट का
चौड़ा या बेड बनाएं और लगभग 6 इंची से लेकर 7-8-9 इंची तक आप हाइट ले जा सकते हैं। तो इस तरह से बेड बनाएंगे तो आपको बरसात में भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बरसात में जब तेज़ हवा चलती है कई बार तो आपका पौधा जड़ के अंदर से डैमेज हो जाता है, काफ़ी झुकाव हो जाता है। अगर पौधे का ज़्यादा झुकाव होगा तो आपकी जो लाइन से लाइन की जो दूरी है उसमें भी वो कवर करेगा, और जब आप स्प्रे करेंगे आने वाले समय में तो स्प्रे में भी दिक्कत देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।